टाइगर 3 देखकर आ गया हूं दोस्तों, स्टारिंग विवेक ओबेरॉय, बेस्ट हिंदी टीचर है नासिक बनाया आपने। तो सबसे पहले आज दिवाली है तो मेरी तरफ से सभी को हैप्पी प्रियंका चोपड़ा अस्थमा डे। इस दिवाली दिए जलाए, बम जलाए, किसी की गांड नहीं। सुबह 6:30 का पहला शो देखने जाते हैं टाइगर 3 का, वो भी पीवीआर में। तो पीवीआर का धर्म है कि वो पहले 20-25 मिनट ऐड दिखाएगा, लेकिन 6:30 के नाम पे जब 20-25 मिनट ऐड चल जाती है तो ऑडियंस हो जाती है फ्रस्ट्रेटेड। एंड वो लोग बोलते हैं कि साला सुबह सुबह 6:30 के नाम पे तुम लोग इतना ऐड दिखा रहे हो, पागल निकल समझाए क्या ऑडियंस को, सब चिल्लाने लग जाते। लेकिन फिर पीवीआर वालों को दया आता है, तरस आते, बोलते नहीं यार ये हम लोग गलत करें, एक काम करते और 15 मिनट ऐड दिखाते। तो फिर फिल्म शुरू होती है 7:15 बजे। एंड जब फिल्म का फर्स्ट हाफ निकल जाता है तो आपको ये रियलाइज होता है कि इससे अच्छा एक घंटा और ऐड देख लिया होता। देखो यार, सलमान भाई के लिए सुबह 6 बजे से ही तैयारी थी, ब्रेसलेट एंड स्कार्फ एंड ऑल हम पहन के गए थे। एंड जब फिल्म देख रहे थे तो हमें ये रियलाइज हुआ कि यार ये स्कार्फ का एक अलग ही करिश्मा है, आप चाहे तो फिल्म देखते देखते स्कार्फ से फांसी ले सकते हो। एनीवे, सीरियस बातें को साइड में रख के मजाक की बातें करूं तो सलमान खान की बैड एस धमाकेदार एआई वाली एंट्री होती है। एंड इस बार सलमान खान काफी सीरियस रहते हैं, वो ज्यादा ऐश करते हुए नजर नहीं आते, क्योंकि जब उन्होंने ऐश किया था तो उनका कट गया था। एंड जब आप इस फिल्म का स्टार्टिंग देखोगे तो यहां पर भी कैटरीना से कट जाता है उनका। एंड फिर बाद में कहानी में एक ऐसा बवाल ट्विस्ट आता है जिसको देखकर आपको तुरंत नींद आ जाएगी गाइस। लेकिन गाइस सबसे अच्छी बात यह थी कि सलमान भाई के इस फिल्म में एक्चुअली में आपको स्टोरी नजर आती है, बट YRF ने वापस से पाकिस्तानी प्रेमी फिल्म बना के अपनी औकात दिखा दी। यार जब आप इस स्टोरी लाइन को देखोगे ना तो आपको ऑस्कर बहुत छोटा लगेगा। सोचो ना, इस फिल्म में ऐसा दिखाया है कि हम एज एन इंडियन वो फिक्शनल फिल्म देखने जाते हैं जिसमें हम ही अपने रॉ एजेंट को गद्दार समझ लेते हैं एक मोमेंट पे, एंड वो रॉ एजेंट पाकिस्तान के पीएम को ISI से बचा के ये प्रूव करता है कि देखो वो गद्दार नहीं है, एंड उनकी पीएम शांति अमन चाहती है। ओ बाप रे बाप, ऐसे स्टोरी लाइन को देख के तो जावेद अख्तर का भी पेन चल जाएगा, वो भी वेल्डिंग का काम शुरू कर देंगे गाइस। यार ये भी एक अच्छी बात हुई ना, अपने देश को लेके छाती चौड़ी वाली फिल्म तो हर कोई बना रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों का क्या, उनकी छाती चौड़ी कौन करेगा। सो थैंक यू YRF एंड मनीष शर्मा फॉर डूइंग दिस। एनीवेज, अब अगर मैं स्टोरी लाइन को साइड में रखूं ना तो भी इस फिल्म में कैमियो है एक अच्छे फिल्म का, लेकिन दुनिया भर के कैमियोज हमें मालूम होने के बावजूद भी हम सबसे ज्यादा इंतजार उस कैमियो का कर रहे थे जब कैटरीना कैफ टॉवेल में आती है ना चमड़ी लोग साले। फर्स्ट हाफ तो इतना अच्छा था कि अगर आप आंख बंद करके देखोगे तो शायद मोतिया भी इनसे भी बच जाओगे। फिल्म टाइगर और इमरान का फेस ऑफ दिखाने की पूरी कोशिश में रहती है, लेकिन वो ऐसा फेस ऑफ रहता है कि जिससे आपको कोई लेना देना ही फील नहीं होता। फिर बाद में सेकंड हाफ में एंट्री होती है शाहरुख भाई की। भाई ये यूनिवर्स है, ये कैरेक्टर इसको बचाएगा पठान में तो वो कैरेक्टर भी उसको बचाएगा टाइगर 3 में, यही सब चल रहा है। बाकी यूनिवर्स वो क्या होता है वो तो हमने भी टाइगर जिंदा है बनाने के बाद ही मालूम पड़ा कि हम कहीं यूनिवर्स तो नहीं बना रहे। बट जब फिल्म के अंदर शाहरुख खान का कैमियो आता है वो आपको ये याद दिलाता है कि भाई साहब तालियां सीटियां भी मारनी है, कहां भूल गए आप। वो कैमियो अच्छा था, वो सेविंग पोर्शन भी फिल करता है जिस हिसाब से शाहरुख भाई आते हैं उड़ते हुए, पंछी बनू उड़ के चलू मस्त गगन में। फिर सलमान भाई को चिड़िया स्टाइल में एकदम कौवे की तरह उठा के लेके जाते हैं, ओ हो हो। फिर बाद में दोनों पैराशूट खुल के गोल गोल पानी तेरी बीवी कहानी करते, ओ हो हो, वो कैमियो एंड केमिस्ट्री पैसा वसूल लगता है। अब यहां तक जब आप फिल्म देख लोगे तो आपको ये फील हो जाता है कि ये पूरा पैटर्न पठान का ही फॉलो कर रहा है, बट मैंने इस फिल्म को बहुत ही एंजॉय किया। आई मीन सलमान खान सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन में पूरी फिल्म कर डाले, इससे बड़ा आर्ट क्या हो सकता है। फिर पूरे फिल्म में दो गाने हैं, वो भी अरिजीत का, जो कि पहला कोलैबोरेशन है सलमान खान के साथ। एंड वो दो गाने जब आप सुन लोगे, उसकी टाइमिंग आप देख लोगे, तो आप बोलोगे कि सलमान भाई वापस झगड़ा कर लो अरिजीत से। अब इस मासी आर्ट फिल्म का एक सबसे अच्छी बात थी कि पूरे फिल्म में सिर्फ एक ही डायलॉग था कि जब तक टाइगर का गिरा नहीं तब तक टाइगर मरा नहीं। माय गॉड गाइस, वो डायलॉग पे तो इतनी तालियां सीटियां बजाने की लोगों ने कोशिश की। परफॉर्मेंस की बात करूं तो स्काफ की एक्टिंग एंड इमरान हाशमी का परफॉर्मेंस अच्छा था, इनफैक्ट कैटरीना की भी हिंदी सुधर रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बाकी एक्शन सीन्स एंड VFX की बात करूं तो वो आपको ऐसा तरसा देंगे कि एक ढंग का मासी एग्जीक्यूशन एंड क्लियर एक्शन सीन देखने मिले। देखो पठान में भी वो फिल्म पाकिस्तानी प्रेमी टाइप ही थी, नो डाउट, जैसा ये है, बट वहां पर एंटरटेनमेंट का फर्क था। वहां पर एंट्री सीन ले लो, इंटरवल ब्लॉक ले लो, कैमियो ले लो, क्लाइमेक्स ले लो, एवरीथिंग आपको हाई डोजेज का एंटरटेनमेंट मिला। यहां पर आपकी मजबूरी हो जाएगी कि यार मैं आ तो गया हूं फ्रेंचाइजी के नाम पे, सलमान खान के नाम पे, लेकिन मैं एंटरटेन होने के लिए तरस रहा हूं। फिल्म का जब क्लाइमेक्स आता है वो आपको ये फील कराता है कि भाई पिक्चर तो अभी स्टार्ट हुई है। फिल्म के एंड में कैमियो आता है ऋतिक रोशन का, सॉरी गाइज मैं स्पॉइलर दे रहा हूं क्योंकि अभी वो कैमियो 10 दिन पहले ही शूट किया YRF ने एंड वही लोग ने अनाउंस कर दिया था, तो सॉरी गाइज मैं स्पॉइलर दे रहा हूं क्योंकि उनको भी मालूम पड़ गया था कि चीजें गड़बड़ हो गई है। लेकिन जब ऋतिक रोशन
ऑडिशन का एंट्री आता है, ओ हो हो, आधे ऑडियंस तो थिएटर के बाहर, क्योंकि वो लोग इतना तालियां सीटियां मार ही नहीं सकते। एंड फिर उसकी एंट्री शॉट का एक्शन सीन आप देखोगे, वो तो आशुतोष राणा के वॉइस ओवर पे उसका एक्शन दिखा दिया, इतना फनी। फिर ऋतिक जब पलट के आता है, भाई ऋतिक रोशन है, वो गंदा कभी दिख ही नहीं सकता, तो वो जिस हिसाब से जैकेट ऐसा हटाता है, आपको फील हो जाता है कि ये बंदा HRX के जैकेट का प्रमोशन कर रहा है। ओ हो हो, दिस इज कॉल्ड एन आर्ट नॉट एन फार्ट। सो ओवरऑल टाइगर 3 इज अ मास्टरपीसली एवरेज फिल्म जो गलती से इंडिया रिलीज हो गई है। बाकी सलमान खान के फैन से इतने ही कहूंगा कि ये वाली फिल्म जो है वो सलमान खान के पुराने फिल्मों के कंपेयर में अच्छी है, आप एंजॉय कर सकते हो, बाकियों का शायद दम भी घुट सकता है। लेकिन देखो यार, उससे पहले एक ही चीज कहूंगा कि यार आप मुझे अभी तक माँ बहन की गाली कमेंट में लिख भी दिए रहोगे, लेकिन कोई बात नहीं है, आज से ठीक 10 दिन बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि सूरज ने कुछ गलत नहीं बोला। मैं इस फिल्म को दूंगा 2 out of 5 स्टार। मिलते अगले वीडियो में, बाय।